नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में आज हम आपको बताएंगे कि घर में एलोवेरा लगाने के क्या फायदे होते हैं। इन्हीं सबको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राज शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी से चाहूंगी कि वो आज के 12 राशियों के बारे में बताएं। भारत समाचार के सभी दिग्गज दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। विश्व और विश्व के साथ चलने वाली सारी राशियों का जो चक्र चलता है वो विशेष रूप से आज के समय और इस साल का विशेष रूप से अगर हम प्रभाव लें तो मेष राशि वालों, शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से होने वाली है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान भी आपको बना के रखना पड़ेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सोच विचार नितांत आवश्यक पड़ेगा, लेकिन उचित सामंजस्य पति और पत्नी के बीच के संबंधों का भी बहुत जरूरी होगा। व्यवस्थित दिनचर्या इसको रखिए, मनचाहे तरीके से कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं। महत्वपूर्ण और लाभदायक यात्राओं की भी प्रबल संभावना है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बना के आपको रखना चाहिए। मेष राशि वालों, आपको थोड़ा सा नीतिगत मामलों में फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और इसी के साथ सामंजस्य आपको बनाए रखना है। व्यवस्थित दिनचर्या रखिए, काम मनचाहे स्तर से आपका होता रहेगा। महत्वपूर्ण और लाभदायक यात्राएं भी संपन्न होती हुई देखी जा रही हैं। उचित मान सम्मान आप देंगे तो आपको भी उचित मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूर किसी न किसी प्रकार से आपको अपना फैसला सोच विचार के साथ लेना चाहिए। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी मेष राशि वालों, वो होगी आपके उचित सामंजस्य को लेके होगी। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे क्या है भाग्यशाली रंग, आपका है जामुनी। और इसी के साथ महा उपाय भगवान शिव पर जल अर्पित करना, जलाभिषेक करना बहुत अच्छा है। भाग्यशाली अंक आपका 1 है। तो ये हमने बताया आपको मेष राशि वालों का महा उपाय। महा उपाय के साथ भाग्यशाली रंग जामुनी, भाग्यशाली अंक आपका 1। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आपकी कुछ गलत फहमियाँ विशेष रूप से ससुराल पक्ष से जो चल रही है वो दूर हो सकती हैं। कोई मांगलिक कार्य आयोजन संबंधी योजना भी बढ़ेगी। पठन पाठन में आप उचित रास्ते पे चलेंगे। संतान की भी कुछ गतिविधि आपको पता चल सकती है। महत्वपूर्ण काम होने से आपको विशेष राहत मिल सकती है। गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये समय विशेष रहेगा और आयोजन करने के लिए भी विशेष रूप से आपके पास अच्छा एक प्रगति रहेगी। भाग्यशाली रंग आपके लिए है पीला और भाग्यशाली अंक आपके लिए है 7। महा उपाय में गणेश जी की आरती आपको जरूर करनी चाहिए। मिथुन राशि, विदेश जाने और इससे संबंधित खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुछ सुधार संबंधी घर में आपकी योजना बन सकती है। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में आपको भी पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस और नौकरी में चल रही समस्याएं आपसे दूर होंगी। विदेश जाने की अच्छी स्थिति। भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक आपका 7। महा उपाय में लाल वस्त्र या चुनरी इत्यादि मंदिर में अर्पित करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, अधिकतर समय आपका आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहेगा। कुछ योजनाएं आप बना लेंगे और उसमें आप रहेंगे कामयाब भी। कार्य क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। काम का बोझ जिससे बढ़ सकता है और कुछ कठिनाइयों का भी सामना, लेकिन लर्निंग कर्व आपका अच्छा होगा। अधिकतर आध्यात्मिक गतिविधियां चालू रखें। भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया। भाग्यशाली अंक आपका रहने वाला है 7 का। महा उपाय में लगातार उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, लेन देन के जो फैसले हैं उसमें जल्दीबाजी में पैसा फंस सकता है। परिवार में आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। रिलेशनशिप में सकारात्मकता आपकी बनी रहेगी। नौकरियों में आपकी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। लेन देन के फैसलों में थोड़ा सोच विचार करें। भाग्यशाली रंग नीला, भाग्यशाली अंक 8 रहेगा। महा उपाय काले कंबल का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कोई व्यक्तिगत समस्या आपकी हल होने को है। बहुत ही अच्छा प्रभाव। घर में व्यवस्था बनाए रखने की भी आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेके आप
किंचित चिंतित हो सकते हैं। घबराएं ना, प्रेम संबंधों से दूरी लेकिन अभी जरूरी। भाग्यशाली रंग बादामी और भाग्यशाली अंक आपके लिए आज का 5। गरीबों को भोजन कराएं, अति उत्तम उपाय। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। नकारात्मक लोगों से आपको मेलजोल आप भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। कड़ी मेहनत के लिए कटिबद्ध रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों से महत्वपूर्ण सुझाव आपको जरूर प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान कुछ लाभदायक संपर्क भी आप बनाते हुए देखे जा रहे हैं। नकारात्मक नेगेटिविटी लोगों से दूर रहें। आसमानी रंग भाग्यशाली है और 3 का अंक भाग्यशाली है। शिवलिंग पे दुग्ध धारा जरूर अभिषेक करें, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। आपके अतिरिक्त परिश्रम प्रयास की अधिकता रह सकती है। आज निश्चित रूप से आपका दिन फलदायक रहने वाला है। किसी मांगलिक उत्सव में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ अच्छी गतिविधियों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम गहराता हुआ दिख रहा है। अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है। आज निश्चित रूप से आपका दिन फलदायक। भाग्यशाली रंग बादामी, भाग्यशाली अंक आपका रहेगा 2 का। उपाय के लिए आप दुग्ध धारा शिवलिंग पे जरूर नमः शिवाय का जाप करें। मकर राशि की बात करें, आत्मिक और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। बड़े बुजुर्गों के स्नेह को भी आप अपने से जो बड़े उनका स्नेह महसूस कर सकते हैं। गतिविधियों में पारिवारिक लोगों का सहयोग आपका पूरा देखा जा रहा है। जोखिम भरे कामों में आपको बिल्कुल भी पैसा लगाना नहीं चाहिए। इस समय मकर राशि वालों आपको मानसिक शांति की जरूरत जरूर पड़ेगी। छोटी कन्याओं को मिष्ठान दें, उनका आदर सत्कार करें और भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक है 9 का। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कोई आपका बिगड़ा कार्य आज निसंदेह बन जाएगा। कई तरीके की गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा और भाई बहनों के साथ संबंधों में लेकिन आपको रखनी पड़ेगी थोड़ी सी मधुरता। वैवाहिक संबंधों में भी आपको मधुरता प्राप्त होगी। तो कुंभ राशि वालों, कोई बड़ा हुआ काम बिगड़ा बन सकता है। पीला रंग आपके लिए भाग्यशाली है और अंक है आपके लिए 5। आपको चने की दाल शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। मीन राशि पे आते हैं, बात करते हैं व्यक्तिगत कार्य संपन्न आपका कोई जरूर हो जाएगा। व्यर्थ की गतिविधियों में आपका काफी समय नष्ट हो रहा है, उसको रोकें। अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा लें तब आपको लाभ होगा। तनाव मुक्त रहने के लिए योग करें और सलाह भी लेते रहें। कोई व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न हो सकता है। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक आपका 6 का बन रहा है। हनुमान जी का दर्शन करना शुभ रहेगा आपको। तुला राशि क्रम से राजनीति से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा। रिश्तेदारों का मेल मिलाप खुशी आपको प्रदान करेगा। और तुला राशि वालों, प्रेम संबंध किसी बात को लेके दूरियां आपकी आ सकती हैं। काम की गति तेज करने की आपकी इच्छा जरूर होगी और राजनीति से जुड़े हुए लोगों का एक प्रभुत्व बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तुला राशि वालों, भाग्यशाली रंग आपके लिए केसरिया और बादामी दोनों हैं। भाग्यशाली अंक 9 आपके लिए है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, महा उपाय में। तो सारी राशियों का भाग्य फल आज हमने जाना। गुरु जी, अब दर्शकों को आज का पंचांग बता दीजिए कि दिन में कौन सा समय शुभ रहेगा और किस समय राहु काल रहेगा। जानते हैं क्या है आज का पंचांग। दिनांक 4 जनवरी 2023, अष्टमी तिथि का मान हस्त नक्षत्र चंद्र, कन्या राशि में गोचर। गुरुवार का दिन, पौष मास कृष्ण पक्ष। शुभ समय 12:05 से 12:46 तक। अभिजीत काल सिद्ध प्रतिदिन। राहु काल 1:43 से 3:01 तक सिद्ध है। तो गुरु जी, अब हमारे खास टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि घर में एलोवेरा लगाने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, पौधे लगाने का और वास्तु का बहुत अपना एक पारंपरिक एक संबंध है। एलोवेरा का पौधा घर में समृद्धि लेके आता है और साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। खुशहाली आती है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में तंगी से अगर परेशान है तो उत्तर पूर्व कोने में
आप ये लगा सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट सिर्फ घर में प्रॉस्पेरिटी ही नहीं लाता है, मानसिक शांति, तनाव इत्यादि भी दूर करता है। आपकी स्किन, हेयर और डाइट के लिए वैसे भी एलोवेरा का प्लांट बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा के पौधे को कभी भी घर की पूर्व दिशा में ना रखें, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो सकती है। इसके बजाय नॉर्थ ईस्ट, ईशान इत्यादि में आप रख सकते हैं। साथ के साथ कभी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तब अशुभ प्रभाव देता है। टूटे गमले में भी ना लगाइए और मिट्टी के किसी नए गमले में इसको लगाइए। ये तब आपको सुख, समृद्धि, शांति जरूर प्रदान करेगा एलोवेरा का पौधा। तो आज आपने जाना कि घर में एलोवेरा पौधा लगाने के क्या फायदे होते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajeshuklaonline@gmail.com। तो आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।